हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। चलिए आज चलते हैं, कुछ न्यू करते हैं। आज ब्लॉग बनाने के लिए कुछ था नहीं, तो सोचा आज गिटार का स्ट्रेनिंग कुछ ख़राब हो गया था, उसको करवा लेते हैं। तो उसी के लिए आज हम लोग जा रहे हैं। चलिए आपको भी दिखाते हैं। लोग मार्केट पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद आगे चलकर शॉप आएगी, गिटार शॉप है, वहाँ पर गिटार को ठीक कराना है। ये शॉप आ गई है गिटार की, इसी शॉप से हम लोगों ने गिटार भी लिया था। यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं शॉप पे। हमें गिटार थोड़ा सा ख़राब होने लगा था, स्ट्रिंग्स वगैरह ख़राब हो रही थी, उसको यूज़ काफ़ी टाइम से नहीं हो पा रहा था, तो सोचा कि आज इसका रिपेयरिंग वगैरह करा लिया। इसमें थोड़ी सी धूल वगैरह डस्ट वगैरह हो गया था, तो यहाँ पर देखिए भैया इसको थोड़ा सा क्लीनिंग का काम कर रहे हैं, थोड़ा अच्छे से डीपली क्लीन कर रहे हैं ये, तो उसकी स्ट्रेनिंग वगैरह सही करेंगे। अब ये स्ट्रेनिंग वगैरह थोड़ा चेंज कर देंगे, ये थोड़ा जंग वगैरह लग गया था, काफ़ी रखा थोड़ा सा पुराना हो गया था। हमें गिटार का बैग्स वगैरह भी लेना है, तो चल के थोड़ी देर में ऊपर भी देखेंगे। यहाँ पे तबला वगैरह था, तो हम लोगों ने बस ऐसे ही टाइम पास करना शुरू किया। हारमोनियम वगैरह देख रहे होंगे, सब काफ़ी अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स थे, म्यूजिकल चीज़ें सारी मिल जाएगी आपको यहाँ पे। भैया ने कितना अच्छा बजाया और हमें सिखा रहे थे कैसे कैसे बजाते हैं, हमें तो इतना कुछ आता नहीं है। चलिए फिर ऊपर चलते हैं गिटार के बाद लेने। गिटार तो बन गया, चेंज हो गया इसके स्ट्रिंग्स वगैरह सारा, इनके सारे अच्छे अच्छे गिब्सन्स वगैरह के गिटार रखे हैं। मेरा भी गिब्सन्स का ही गिटार है। ये बैग्स फाइनली हमारा काम हो गया, शॉप से निकल गए हैं, अब आगे चल रहे हैं। देखिए कहाँ जाते हैं आगे, कुछ अच्छी जगह हैं, घूम कर आते हैं थोड़ा। सामने एक चर्च दिख रहा है, चलिए चलते हैं। हम लोग चर्च में आ गए हैं, बट शायद ये लग रहा है कि आज बंद है। चलिए आगे जाकर पूछते हैं अंदर से। गेट तो खुला हुआ है, बट छोटा वाला गेट खुला हुआ है। चर्च आज बंद है। चलिए फोटो शूट वगैरह करने के लिए हम लोग अंदर आ गए हैं, चर्च बंद है। यहाँ पे जो गार्डनर है माली जी, वो अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि अब हम लोग घूम सकते हैं यहाँ पे, फोटो शूट और वीडियो शूट कर लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी पुराना चर्च है और बाकी बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पे क्रिसमस वगैरह पर हम लोग आते हैं, ये आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल व्यू है। वेदर भी काफ़ी अच्छा है, इसलिए अच्छा लग रहा है यहाँ पे घूमने में। वैसे इसका मेन तो बंद है, मेन गेट बंद है, लेकिन हम लोग बाहर से घूम रहे हैं इसको। सामने देख सकते हैं कितना प्यारा दिख रहा है। ये सब पत्थर से बना हुआ है, खूबसूरत लग रहा है। चलिए ऊपर चलते हैं, ऊपर जाकर देखते हैं, थोड़ा फोटो शूट वगैरह करते हैं लोग। ये बाहर से दिखा सकते हैं आपको, अंदर तो बंद है अभी। जब नेक्स्ट टाइम विजिट करेंगे और खुला रहेगा तो ज़रूर दिखाएंगे आपको अंदर का पूरा चर्च। यहाँ पे काफ़ी चर्च हैं, लेकिन ये पास में था और तो सोचे हम लोग चलते हैं। काफ़ी खूबसूरत है। सो हम लोगों ने घूम लिया और अब कुछ है नहीं घूमने के लिए यहाँ पे लॉक के, तो निकलते हैं फिर, जा रहे हैं बाहर, निकल रहे हैं फिर हम लोग। ये रहा चर्च, चलिए चलते हैं फिर। यहाँ पे सामने एक टी स्टोर था, यहाँ पे बहुत ही अच्छी चाय बनती है, कूलर वाली चाय, तो हम लोगों ने सोचा कि ट्राई किया जाए।
तो यहाँ पे चाय पीते हैं। ये देखिए काफी अच्छी चाय बनाते हैं भैया। चाय की स्मेल ही इतनी अच्छी आ रही है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख भी रहा है। ये हमारी चाय आ चुकी है। चाय काफ़ी अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा चाय पीकर। और बस यही आज का ब्लॉग इतना ही था। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और चैनल को अगेन विजिट करें।